हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है कैफीन। मींस कैफीन क्या होता है, कहाँ से हमको ये ऑब्टेन होता है, मींस इसका बायोलॉजिकल सोर्स, इसकी केमिस्ट्री और किस तरीके से इसका प्रोडक्शन मींस आइसोलेशन किया जाता है, इसके अलावा इसका यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन। तो आज के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कैफीन का बायोलॉजिकल सोर्स और प्रोडक्शन मेथड। इसके नेक्स्ट पार्ट में एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन के बारे में बताएंगे, मींस सो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है मेडिसिनली। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कैफीन क्या है, कैफीन इट इज़ अ प्यूरीन टाइप ऑफ अल्कोलॉइड। मीन्स कैफीन जो है अल्कोलॉइड की कैटेगरी के अंदर आता है। कौन से टाइप का अल्कोलॉइड, प्यूरीन टाइप का अल्कोलॉइड, या कह सकते हैं ये ज़ैंथिन डेरिवेटिव होता है, ज़ैंथिन अल्कोलॉइड होता है। कहाँ से हमको ये ऑप्टेन होता है, ये ऑप्टेन होता है फ्रॉम द स्पीसीज। तो कौन से प्लांट स्पीसीज में कैफीन प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है टी लीव्स, मीन्स चाय की पत्ती, मीन्स टी लीव्स एंड टी लीव्स बर्ड में ये कैफीन प्रेजेंट होता है। ये रिच सोर्स होता है टी लीव्स कैफीन का। और ये जो प्लांट है, मीन्स टी का जो प्लांट है, उसका बॉटनिकल नेम होता है कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस या इसको थिया साइनेंसिस भी बोला जाता है। और ये प्लांट कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, थिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट सोर्स है which are used for the production of caffeine, that is coffee seeds, या कह सकते हैं coffee bean, means इसके dry seed को use किया जाता है for the production of caffeine, इसमें caffeine present होता है। और इसके plant का botanical name क्या होता है, coffee के plant का, coffee arabica, जो कि कौन सी family को belong करता है, rubiaceae family को belong करता है। इसके बाद next source है cola seeds, या कह सकते हैं कोला नट्स, मीन्स KOLA भी लिखा जाता है, कोला नट्स। और इसके जो प्लांट है, इसका बॉटनिकल नेम होता है कोला एक्यूमिनाटा। और इसमें भी कैफीन प्रेजेंट होता है। और ये जो प्लांट है, ये स्टर्क्यूलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है ग्वाराना सीड्स। ये ग्वाराना सीड्स में भी कैफीन प्रेजेंट होता है। और इसके प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या होता है, पॉलिनिया क्यूपेना, जो कि सेपिंडेसी फैमिली को बिलोंग करता है। नेक्स्ट सोर्स है ऑफ कैफीन इस कोकोआ सीड्स। कोकोआ सीड्स में भी कैफीन प्रेजेंट होता है। और उस प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, थियोब्रोमा कोकाओ, जो अगेन स्टर्क्यूलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो दिस आर द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कैफीन। आते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्शन मीन्स आइसोलेशन ऑफ कैफीन, मीन्स किस तरीके से इस सोर्स से, मीन्स कॉफ़ी से, टी लीव से और अदर सोर्स से कैफीन को आइसोलेट मीन्स सेपरेट किया जाता है। तो हमने यहाँ पे टी लीव्स या टी पाउडर से किस तरीके से कैफीन को आइसोलेट करते हैं, इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी हमने हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आइसोलेशन ऑफ कैफीन। तो कैफीन को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले हम टी लीव्स लेते हैं और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ड्राई टी लीव्स, या अगर हम कॉफ़ी बीन्स ले रहे हैं तो कॉफ़ी बीन्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्टिल वाटर लेते हैं और डिस्टिल वाटर में 2% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम कार्बोनेट ऐड किया जाता है। और उस वाटर, डिस्टिल वाटर को अल्कलाइन करने के लिए, मैं सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये बेसिक कंपाउंड होता है। और इस अल्कलाइन वाटर के साथ फिर उस टी पाउडर को बॉयल किया जाता है फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स बॉयल करने के बाद इस अल्कलाइन वाटर से, उसके बाद नेक्स्ट हम फिल्टर करते हैं हॉट कंडीशन में ही, मीन्स बॉयल करने के बाद जब वो हॉट कंडीशन में रहेगा तो उसी कंडीशन में उसको फिल्टर किया जाता है। तो यहाँ पे हम अल्कलाइन वाटर क्यों ले रहे हैं, सिंपल डिस्टिल वाटर क्यों नहीं ले रहे हैं, अल्कलाइन वाटर ऐड करने का, मीन्स सोडियम कार्बोनेट ऐड करने का रीज़न है कि जो टी लीव्स में मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होता है, टैनिन प्रेजेंट होता है कैफीन के अलावा। तो उस टैनिन को क्या किया जाता है, सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। टैनिन क्या होता है, ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होता है, जो कि क्या है, वीकली एसिडिक नेचर का होता है। तो जब हम उसमें बेस मीन सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं तो टैनिन के साथ कंबाइन होके ये क्या बनता है, टैनिन सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये टैनिन सॉल्ट में कन्वर्ट होने से इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ जाती है। तो आगे चल के जब हम डाइक्लोरोमीथेन या अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन, तो
ये जो टैनिन है, क्योंकि इस टैनिन की वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ चुकी है, इसी कारण से डाइक्लोरोमेथेन ये क्लोरोफॉर्म में पार्टीशन करने पे इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, सॉल्युबलाइज नहीं होता है, जिससे हम कैफीन को आइसोलेट कर सकते हैं इजिली फ्रॉम दिस सॉल्वेंट विदाउट द हिंड्रेंस ऑफ दिस टैनिन। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, फिल्टर करने के बाद हमको क्या ऑप्टेन होगा? फिल्ट्रेट ऑप्टेन होगा, मीन्स जो एक्वस एक्सट्रैक्ट है वो हमको ऑप्टेन होगा, और मार्क ऑप्टेन होगा। तो जो रेसिड्यू है, जो फिल्टर पेपर में जो रेसिड्यू रह गया है, उस रेसिड्यू को हम क्या बोलते हैं? मार्क बोलते हैं, जो टी लीव्स के जो रेसिड्यू है। अब उस मार्क को अगेन हम बॉयल करेंगे फॉर द कम्प्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन। मीन्स कुछ कैफीन अगर रह गया है मार्क में, तो उसको वापस से री एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अगेन बॉयल करते हैं सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर से, डिस्टिल वाटर के साथ। अगेन उस मार्क को बॉयल करने के बाद हम अगेन फिल्टर करते हैं, फिल्टर इन तो हॉट कंडीशन, और जो इस बार हमको फिल्ट्रेट ऑप्टेन होगा, और जो पहले फिल्ट्रेट हमको ऑप्टेन था, वो दोनों फिल्ट्रेट को हम कंबाइन करते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेट, मीन्स जो हमको एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑप्टेन हुआ है टी लीव्स का, जो कि डार्क ब्राउन कलर का आपको दिखेगा, ये जो फिल्ट्रेट है उसको हम क्या करते हैं, उसको कूल किया जाता है एट द रूम टेम्परेचर। ठंडा होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एक्वस एक्सट्रैक्ट को, अगर बहुत ज़्यादा इसका वॉल्यूम है तो उसको हम वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट ये जो कूल्ड एक्वस एक्सट्रैक्ट है, अब इसको क्या किया जाता है, उसको हम डाइक्लोरोमीथेन के साथ ट्रीट करते हैं। डाइक्लोरोमीथेन के साथ ट्रीट करना मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको पार्टीशन किया जाता है विथ सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ डाइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म के साथ। डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म क्यों लिया जाता है? डाइक्लोरोमीथेन क्योंकि जो कैफीन है जो इस एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट है, कूल्ड एक्वस एक्सट्रैक्ट में, अभी क्या है इसमें टैनिन के साथ साथ इसमें कैफीन और अदर कलरिंग पिगमेंट्स भी प्रेजेंट है, अदर केमिकल्स भी प्रेजेंट है। तो इसमें कैफीन जो प्रेजेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी डाइक्लोरोमीथेन में ज़्यादा होती है, मीन्स हाईली सॉल्युबल होता है कैफीन डाइक्लोरोमीथेन में एज कम्पेयर टू द वाटर। क्या करते हैं हम उस एक्वस एक्सट्रैक्ट को लेते हैं, उसको सेपरेटिंग फनल में ऐड किया जाता है, और डाइक्लोरोमीथेन स्पेसिफिक क्वांटिटी जैसे 15 टू 20 ml हमने ले लिया एक टाइम पे, और उसको ऐड किया जाता है उस सेपरेटिंग फनल में। क्योंकि एक्वस एक्सट्रैक्ट और डाइक्लोरोमीथेन या अगर क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, तो दोनों क्या होते हैं, दोनों इमिसिसिबल सॉल्वेंट होते हैं, दोनों इमिसिसिबल लिक्विड हैं। तो क्या होगा, दो अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, फिर उस सेपरेटिंग फनल को जेंटली शेक किया जाता है। शेक करने पे क्या होगा, जेंटली शेक करने पे जो इस कूल एक्वस एक्सट्रैक्ट में जो कैफीन है वो सॉल्युबलाइज होके इस डाइक्लोरोमीथेन के लेयर में आ जाएगा। अब डाइक्लोरोमीथेन के लेयर पे आने के बाद हम क्या करते हैं, उस सेपरेटिंग फनल को थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है अगेन लेयर को सेपरेट होने के लिए, और फिर जो ये लोअर डाइक्लोरोमीथेन लेयर है, मीन्स जो ये ऑर्गेनिक लेयर है, ये नीचे सेपरेटिंग फनल के कलेक्ट होता है। तो उसको हम सेपरेटिंग फनल के नॉब को ओपन करके हम इस डाइक्लोरोमीथेन के लेयर को कलेक्ट करते हैं। अगेन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 times टू गेट द मैक्सिमम यील्ड, मीन्स अगेन हम क्या करेंगे, उस डाइक्लोरोमीथेन लेयर को हम अलग रख देंगे, और उसके बाद अगेन उस एक्वस एक्सट्रैक्ट में डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट डालेंगे, अगेन उसको सेम शेक करेंगे, और जो रिमेनिंग जो कैफीन होगा अगेन वो डाइक्लोरोमीथेन में सॉल्युबलाइज होकर आ जाएगा, लेयर को सेपरेट होने देंगे, और उसके बाद डाइक्लोरोमीथेन लेयर को कलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम रिपीट करेंगे 3 times, ताकि जो इसमें एक्वस एक्सट्रैक्ट में जितने भी कैफीन हैं वो सॉल्युबलाइज होकर किस में आ जाए, डाइक्लोरोमीथेन के लेयर में आ जाए। अब डाइक्लोरोमीथेन के सारे फ्रैक्शंस को हम कलेक्ट कर लेंगे और उसको कंबाइन कर लेंगे, और फिर इसके बाद डाइक्लोरोमीथेन जिसमें अब क्या प्रेजेंट है, इसमें कैफीन प्रेजेंट है, तो इस डाइक्लोरोमीथेन लेयर में अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एनहाइड्रस सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट। एनहाइड्रस सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, ये क्या करेगा, डाइक्लोरोमीथेन में अगर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है या कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं इस एक्वस एक्सट्रैक्ट के उस डाइक्लोरोमीथेन लेयर में, तो उसको रिमूव करने के लिए, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, वाटर ड्रॉपलेट्स को रिमूव करने के लिए हम एनहाइड्रस सोडियम या मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा स्वेल किया जाता है, जिससे क्या होगा, उसमें अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट्स या मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा।
अब इसके बाद क्या करना है, हमारा जो सोल्यूशन है मीन्स जो डाइक्लोरोमीथेन का जो लेयर है वो क्लियर हमको दिखना लगेगा। अब इस डाइक्लोरोमीथेन लेयर को हम डिकैंट कर लेंगे सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट को सेपरेट करने के लिए। इसके बाद जो हमारा डाइक्लोरोमीथेन फ्रैक्शन में क्या करते हैं, उसको इवेपोरेट किया जाता है टू ड्राइनेस। तो स्लोली इवेपोरेट होने के लिए हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, जिससे क्या होगा डाइक्लोरोमीथेन लेयर जो है इवेपोरेट हो जाएगा कम्प्लीटली। और डाइक्लोरोमीथेन लेयर कम्प्लीटली इवेपोरेट होने के बाद हमारे कंटेनर में क्रूड क्रिस्टल ऑफ कैफीन दिखेगा, नीडल शेप का क्रिस्टल दिखेगा कैफीन का, व्हाइट कलर का। दिस इज क्रूड क्रिस्टल मींस इसमें कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। तो उसको अगेन प्यूरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं बाय यूजिंग हॉट इथेनॉल। हॉट इथेनॉल से हम उस क्रिस्टल को रिक्रिस्टलाइज करेंगे, जिससे हमको प्योर क्रिस्टल ऑफ कैफीन ऑब्टेन होगा, नीडल शेप का क्रिस्टल ऑफ व्हाइट कलर। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, कैफीन आइसोलेशन का प्रैक्टिकल वीडियो हमने हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है। तो उस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारे चैनल में कैफीन आइसोलेशन करके सर्च कर सकते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों एक्सप्लेनेशन में अवेलेबल है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे उसी वीडियो के कुछ क्लिपिंग्स यहाँ पे आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे। तो हमने यहाँ पे कैफीन आइसोलेशन के लिए टी डस्ट लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं बीकर में हमने टी डस्ट लिया हुआ है, और इसके बाद उसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, फिर डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं टू मेक अल्कलाइन वाटर, और उसके बाद उसको हम हीटिंग मेंटल में बॉइल करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हीटिंग मेंटल में बॉइल करने के बाद उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट है उसको हम साइड रख देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो रेसिड्यू है, ये जो मार्क है, उसको अगेन हम डिस्टिल वाटर के साथ उसको बॉइल करते हैं, अगेन फिल्टर करते हैं, और जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसको जो पहले जो एक्सट्रैक्ट था उसके साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये कंबाइंड टी एक्सट्रैक्ट जो ऑब्टेन होता है, और उसके बाद हम इस तरीके से हम सेपरेटिंग फनल में टी एक्सट्रैक्ट को ट्रांसफर करते हैं, और डाइक्लोरोमीथेन को ऐड किया जाता है, क्योंकि डाइक्लोरोमीथेन की जो में कैफीन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एक्वस मीडियम। इसी कारण से जब इस सेपरेटिंग फनल को आप देख सकते हैं हम इस तरीके से एजिटेट करते हैं, तो जो टी एक्सट्रैक्ट में जो कैफीन है वो डाइक्लोरोमीथेन लेयर में सोल्यूबल होकर आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से दो लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, जो अपर लेयर है वो आपका टी एक्सट्रैक्ट का है, और नीचे डाइक्लोरोमीथेन लेयर है। तो एजिटेट करने पे जो कैफीन है वो सोल्यूबलाइज होकर नीचे डाइक्लोरोमीथेन के लेयर में आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस डाइक्लोरोमीथेन के लेयर को हम नॉब ओपन करके उसको कलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम अगेन वो जो टी एक्सट्रैक्ट रह गया है सेपरेटिंग फनल में, अगेन उसमें डाइक्लोरोमीथेन लेंगे स्पेसिफिक क्वांटिटी जैसे कि 15-20 ml, और अगेन एजिटेट करेंगे, अगेन जो लेयर को सेपरेट होने के लिए रख दिया जाएगा, और लोअर लेयर को हम अगेन कलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम 3-4 बार ये प्रोसेस करते हैं, और सारे जो डाइक्लोरोमीथेन लेयर है जिसमें कैफीन अब सोल्युबलाइज हो गया है, तो उस सभी डाइक्लोरोमीथेन लेयर को हम कंबाइन कर लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंबाइंड डाइक्लोरोमीथेन लेयर है, और अगर उस डाइक्लोरोमीथेन लेयर में अगर कुछ ऊपर में जो एक्वस एक्सट्रैक्ट है उसके कुछ ड्रॉपलेट्स या अगर ऐड हो गए हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम सोडियम सल्फेट ऐड करते हैं, और सोडियम सल्फेट ऐड करने के बाद उसको स्वर्ल करते हैं। स्वर्ल करने से क्या होगा, उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं तो वो जो है सोडियम सल्फेट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अगेन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डाइक्लोरोमीथेन लेयर को डिकेंट कर लेंगे, और इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने उसको पेट्री डिश में हमने ट्रांसफर किया, और डाइक्लोरोमीथेन लेयर को इवेपोरेट करने के लिए रख दिया जाता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से डाइक्लोरोमीथेन लेयर कम्प्लीटली इवेपोरेट होने के बाद पेट्री डिश में ये नीडल शेप का जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, वो कैफीन के क्रिस्टल्स हैं। तो इस तरीके से हम कैफीन को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द टी डस्ट। तो ये हो गया आइसोलेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ कैफीन। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इसका एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन मीन्स इसके मेडिसिनल यूज के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।